हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:08। तो आज का ब्लॉग जल्दी स्टार्ट हो रहा है अपना। बस तो अभी मैंने चाय वगैरह पी जो सुबह की होती है, उसके बाद अभी प्लास लिया हाथ में, तो चलते हैं खेत की तरफ। एक्चुअली ट्रैक्टर आया हुआ है तो खेत बहा रहे हैं, जिनको बोल सकते हैं आपकी नई फसल बीजने का टाइम आ गया है अब। तो अभी ट्रैक्टर लगा है खेत में, तो चलते हैं खेत की तरफ, तारे वगैरह घूमते हैं प्लास से। आज सुबह ही दे दिया घर वालों ने काम, क्योंकि बड़ा मैं ही हूँ अभी यहाँ घर पे, तो मेरे को करना पड़ता है जो भी होता है घर में काम वाम, वो सारा मेरे को देखना पड़ता है। तो चलते हैं और सुबह देखो यहाँ से, ये देखो धुंध पड़ी हुई है अभी थोड़ी थोड़ी। यहाँ से व्यू चेक करो जरा आप, और सामने सूरज निकला हुआ है। और नाना जी पहले चले गए हैं खेत में। गुड मॉर्निंग नानू जी। तो यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैक्टर इस वाले खेत में। मक्की के कटान के बाद ये पहली बुहाई है, तो अब गेहूं का बीज डालेंगे खेत में। तो पहली बारी में तो नहीं, बट दूसरी बारी जब बुहाएंगे तब डालेंगे बीज। तो धुआं देखो कैसे निकल रहा है बात करते टाइम, तो इससे ये पता लग रहा है कि ठंड अब ज़्यादा हो रही है। तो अभी दिया जा रहा है खेतों को मैदा, ये पीछे चला हुआ है हल के पीछे, उसको मैड़ा बोलते हैं। खेत प्लेन हो रहा है अब थोड़ा। देखो ट्रैक्टर कैसे मोड़ा जाता है पहाड़ों में, बहुत टफ होता है पहाड़ों में खेतों की बिजाई करना, ट्रैक्टर चलाना। पहले यहाँ की मिट्टी हार्ड थी, अब देखो कितनी पोली हो गई है। ये तो अभी डिप्टों में ट्रैक्टर चलाना बहुत ही टफ है, क्योंकि छोटे छोटे खेत होते हैं और ये पेड़ वगैरह लग जाए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी उससे, और इसकी काम है बहुत। तो देखो कैसे जा रहा है ट्रैक्टर उस खेत में ऊपर। बहुत दिक्कत वाला काम है ये, इसी के चक्कर में मैं भी उतर गया ट्रैक्टर से, क्योंकि लगभग जाए आंखों में तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पेड़ बहुत तीखे हैं। ये इनकी डालियां हैं, जो उस वाले में भी बहुत रिस्की था जब ऊपर वाले खेत में थे हम। चलो वो तो वीडियो बनाने के लिए शॉट्स लेने थे ऊपर से, तो बना लिए और बैठ गए ट्रैक्टर पे, नहीं तो मैं तो बैठने वाला था नहीं। वैसे ये औरों के खेत हैं, ये हमारे नहीं हैं। ये देखो पेड़ों की टहनियाँ कितनी हैं बाहर को, तो मतलब कि ये है ट्रैक्टर चलाने में, और मैं तो बैठा था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है खेत बहाने में। तो देखिए इतना खेत नहीं है, इतनी जो टहनियाँ ही हैं, तो रिस्की काम है बहुत ज़्यादा। संभल के ही ड्राइव करो खेतों में आप, अगर कोई कर रहा है साथ में बैठा है तो ध्यान से ही बैठो, वरना बैठो ही मत, क्योंकि खान खा लग जाएगी फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि
बाहर ही ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस कितने बड़े बड़े आंवले लगे हुए हैं, तो एक दो तोड़ लेते हैं खाने के लिए। तो मैंने दो तीन आंवले तोड़ लिए खाने के लिए, तो बोलते हैं कि आइज़ के लिए भी अच्छे होते हैं ये, तो ये नेचुरल चीज़ है, खानी चाहिए, इनमें कोई खाद दवाई नहीं लगी होती। तो साफ़ करेंगे फिर खाएंगे, इनको धो लेंगे। आने दो। तो यहाँ पे आ गई थी दिक्कत एक इस एंगल को खोलने की, पर ट्रैक्टर निकल गया फिर भी, यहाँ से ये तार खोलनी पड़ी। इस वाली साइड से घूम के तो निकलना ही नहीं था ट्रैक्टर, क्योंकि नहीं तो एंगल ही जाना था, एंगल टूट जाना था, फिर यहाँ पे भी तार लगी होती है और उस साइड भी, तो इस साइड से नहीं निकलना था, फिर इसी से निकाला, वो भी बड़ी मुश्किल से। अभी आया हूँ मैं घर चाय लेने के लिए, तो होगी होनी रेडी चाय, उसको लेके चलते हैं खेत। अग से निकालते हैं पानी। तो आंवले लाए थे वो मेरे पास हैं, इनको धो लेते हैं। चलो जी। तो लो जी चाय भी अपनी बन के रेडी होने वाली है, चाय भी अपनी रेडी होगी, चलते हैं खेत। खेतों में चाय पीने का अलग ही मजा है, ऊपर से चाय बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, और ठंड में तो ज्यादा ही मजा आता है चाय पीने का। दूसरा कप है चाय का भी मेरा ये। खेत में देखो कितना घास फूस उगा हुआ है, बट ये घास फूस काम का नहीं है, इनको पशु नहीं खाते। तो यहाँ भी देखो आप कितना ज्यादा हुआ हुआ है, तो अभी हो जाएगा खेत प्लेन ट्रैक्टर के साथ ये सारा साफ। वो देखो हल के साथ ही जा रहा है सारा घास फूस। ये वाली चिड़िया जो आप देख रहे हैं अभी खेत में, तो ये वाली चिड़िया बहुत कम दिखाई देती है। अब ये जो टावर लग रहे हैं इस वजह से, मतलब एक साइड ये भी कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद भी है टावर, क्योंकि रेंज का भी इशू नहीं आता, पर पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से। तो ये पक्षी पहले बहुत होते थे, चिड़िया बोलते हैं इनको, तो अब नहीं रहे उतने, बहुत कम इक्का दुक्का दिखाई देते हैं अब ये पक्षी। अरे हम आंवला जो कि पेड़ से तोड़ा हुआ था, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये, आप भी खाया करो। इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा सा रहता है, खाने के बाद जब चबाते हैं तो मीठा मीठा सा लगता है वैसे बढ़िया चीज़ है। ये वाला खेत भी हो गया अपना सारा ही है, नहीं देखा वाला बाड़ी ने। तो यहाँ पे आ गई है दिक्कत, तो अभी ट्रैक्टर आ रहा है रिवर्स, तो देखते हैं आप जा पाता है अंदर की नहीं। तो देख लो कितनी बारीकी का काम करना पड़ रहा है अभी। पे दिक्कत ये आ गई कि यहाँ से कट नहीं ले रहा है ट्रैक्टर, देखते हैं दूसरी जगह से नीचे वाले खेतों को लेके जाएंगे ट्रैक्टर, तो वहाँ पे भी तारें लगी हुई हैं तो खोलनी पड़ेगी। यहाँ की तारें पहले खुली हुई हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा ट्रैक्टर अंदर खेत में। तो यहाँ से की जा रही है कोशिश ट्रैक्टर उतारने की। आन दो, नहीं नहीं रण दो, रण दो रण दो, फस गया ट्रैक्टर, निकल गया। हेलो मामी जी। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ? आओ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर अब निचले खेत में जाएगा। यहाँ पे लगी हैं मिर्चें, तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितनी बड़ी मिर्च लगी हुई है यहाँ पे, बाकी तो सारी छोटी हैं, यही है सबसे बड़ी।
तो खेतों में आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी मेरे हाथ में अभी ड्राट है, तो इसका उपयोग पेड़ वगैरह काटने के लिए, टहनियाँ वगैरह काटने के लिए काम आ जाता है, तो रखा है साथ में। और इस खेत में लगा भी ट्रैक्टर, तो ये खेत हमारे पड़ोसियों के हैं, बाकी हमारे भी हैं इस साइड और इस साइड ऊपर की। सुबह से आया हुआ मैं और देखो 12:50 हो गए दोपहर के, तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो सारा काम निपटा के ही जाऊँगा घर, तभी करूँगा ब्रेकफास्ट। अभी मैं ही हूँ अकेला खेत में, नाना जी भी चले गए घर, उनको मैंने बोल दिया, मैं कहा आप जाओ मैं देख लूँगा यहाँ पे, क्योंकि बूढ़े हैं फिर ठीक भी नहीं लगता। अब हम तो नौजवान हैं, तो हमें तो अब देखना ही पड़ेगा खेतों का भी सारा काम धाम जो भी चला हुआ है। भूख जो है बहुत ही ज़ोर की लगी हुई है सुबह से ही, क्योंकि मैं 9-10-11 बजे तो कर ही लेता था ब्रेकफास्ट, तो बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है। अब क्या करने करते हैं अभी, तो यहाँ पर जब काम ख़त्म हो जाएगा फिर चलते हैं घर। आ गया मैं घर और टाइम देखो 1:07 हो गए। जो ट्रैक्टर वाले उस्ताद थे वो भी बोल रहे थे कि मैं अभी लंच करने जाऊँगा, तो मेरा भी ब्रेकफास्ट है, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। देख लो 1 बजे अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट में है आज राजमा चावल और यहाँ पे है लस्सी। अब ब्रेकफास्ट भी हो गया, मतलब लंच ही समझो, पेट भर के खाना खा लिया, तो अब थोड़ी शांति मिली। तो अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, जब ट्रैक्टर वाला आएगा फिर दोबारा चले जाएंगे। और इस साइड पेड़ हैं, थोड़ी थोड़ी सी धूप पड़ रही है फेस पे, और ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चली है, तो पेड़ों के नीचे बैठ के या सोने में मज़ा ही कुछ और है टहलने का थोड़ा। 3 बज चुके हैं, तो अपने ट्रैक्टर वाले उस्ताद भी आ गए, तो लग चुका है ट्रैक्टर खेतों में। वहाँ देख लीजिए, ये साइडों के थोड़ा सा झाड़ था वो काटा, तो इस हाथ में भी लग गई और इसमें भी लग गई, तो दोनों हाथों में लग गई काटते टाइम। अपने सारे खेत जो है हो गए, खेतों की बिजाई हो गई, और 2-4 दिन बाद बीज डालेंगे तब फिर से वीडियो बना देंगे। तो अभी देखो टाइम 4:45 हो चुके हैं, तो अब जाके फ्री हुए। तो अभी आ गया मैं घर, थक गए यार सुबह से, मतलब खेत में ही आज का दिन सारा निकल गया, तो अभी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, नहा ही लेते हैं, इसको करते हैं ऑन हाविली, और टाइम 8:30 होने वाले हैं, तो अभी डिनर करते हैं। डिनर में देखते हैं क्या है बना हुआ। डिनर में है सुबह वाले राजमा और यहाँ पे है चपाती, नाना जी यहाँ पे कर रहे हैं डिनर। आज के लिए बस इतना ही, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। और अभी टाइम देखो 10:18 हो चुके हैं, बाकी नाना नानी जी टीवी देख रहे हैं दूसरे रूम में, थक गए यार आज। बाकी हाथों में भी चोट वोट आई है दोनों हाथों में भी, खाना खाते टाइम भी बहुत दिक्कत आ रही थी। बाकी मैंने रील्स वगैरह पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, देख लेना भी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं आपके साथ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।